हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ और मस्त भी होंगे और अपने अपने घरों में सेफ भी होंगे। तो दोस्तों, आज मैं यही कहूँगी कि आप अपने घर में ही रहिए, बाहर ना निकले, क्योंकि ये कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है। इस बार का कोरोना बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है और ये हवा में फैलने वाला है दोस्तों। तो प्लीज़ अपने घर में ही रहिए, अपने फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए घर में रह के। और मैं अपने गार्डनिंग दोस्तों को मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ दोस्तों, आप अभी नर्सरी ना जाएं, हम सब नर्सरी ना जाएं, क्योंकि कब किसको कहाँ हो जाए ये कोरोना कोई नहीं जानता है। तो जितने भी प्लांट्स हैं हमारे, उन्हीं की देख रेख करें, उन्हीं की केयर करें और जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स भी हो जाएंगे। लेकिन अभी आप घर से ना निकले। तो दोस्तों, आज मैं कुछ अपने प्लांट्स की ग्रोथ दिखाऊंगी कि मेरे प्लांट्स की क्या ग्रोथ है और किस तरह मेरे प्लांट्स चल रहे हैं। तो उससे पहले दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बेल आइकन की घंटी भी प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, ये मेरा मिर्ची के प्लांट्स है और इसमें देखिए कितने सारे बर्ड्स बने हैं, बहुत सारे इसमें बर्ड्स बने हैं फूल लेने के लिए। और ये सिंपल वाला मिर्ची है जो हम खाते हैं, तो इसमें बहुत सारे बर्ड्स बने हैं। और इधर मेरे शिमला मिर्च है दोस्तों, देखिए अभी इसका सीज़न तो जा रहा है, ख़त्म हो गया है, और लेकिन इसमें अभी फ्रूट्स लगे हुए हैं, फल लगे हुए हैं। देखिए दो शिमला मिर्च हैं और एक रेड कलर का हो गया है, एक ग्रीन कलर का है। तो इसको दोस्तों मैं अभी निकालूंगी, तोड़ूंगी, इसकी हार्वेस्टिंग करूंगी। तो ये दो शिमला मिर्च हुए हैं मेरे वाटिका में। और दोस्तों इधर देखिए, ये मेरे तुरई जिसे नेनुआ भी कहते हैं। और ये देखिए, इसमें ये फल सब्जी आ गई है, ये फर्स्ट सब्जी मेरी है, तो फर्स्ट बार ये इसमें फल सब्जी आई है। और इधर मेरे देखिए खीरे की बेल, और खीरे की बेल में भी देखिए कितने सारे फूल लगे हुए हैं, बहुत सारे फूल, और बहुत ही हेल्दी ये प्लांट है देखिए, और सारे नीचे लटक रहे हैं। तो मुझे अभी इसको, इस बेल को अभी ऊपर चढ़ाना है दोस्तों, क्योंकि मेरे छत पर अभी उतनी व्यवस्था नहीं है कि मैं इसको ऊपर डाल सकूं। तो देखिए मैंने डंडे के सहायता से इन सबको लटकाया है। और यहाँ भी देखिए तुरई, इधर भी तुरई है दोस्तों, और सभी अब इसमें वेजिटेबल लेना शुरू हो गए हैं। देखिए बहुत सारे इसमें फूल बन रहे हैं और फ्लावरिंग ले रहे हैं बहुत सारे। और इधर देखिए मेरे बीन्स, बोरी जिसे कहते हैं, इसमें भी सब्जी आ गई है बोरी की, तो एक दो अभी सब्जी इधर लगी हुई है। और दोस्तों इस सभी में सब्जी आने लगी है, और देखिए इस सभी में फूल आने लगे हैं, कितने सारे फ्रूटिंग्स हो रही हैं। और इसमें फल भी लेने लगेंगे बहुत ज़्यादा इसमें। और सबको मैंने देखिए ये डंडे के सहायता से यहाँ रस्सी बांध के सभी बेलों को चढ़ाने के लिए ऐसे बनाया है, क्योंकि मेरे छत पे वो ज़्यादा व्यवस्था नहीं है दोस्तों कि मैं इस बेल को कभी चढ़ा सकूं। तो मैंने इसी में डंडे गाड़ दिए हैं पॉट्स में ही, और उसी में देखिए लगाया है। और देखिए कितने सारे बीन्स लटके हुए हैं, बहुत सारे बीन्स के छोटे छोटे से दिख रहे हैं सब्जी, देखिए हर जगह इसमें बीन्स दिख रहे हैं बोरी, और यहाँ भी। तो सभी बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। और ये प्लांट मेरा ख़राब हो गया था, तो देखिए ये भी अब अच्छे से हो गया है। और इधर सभी भिंडी, और यहाँ देखिए टमाटर, टमाटर में भी देखिए छोटा प्लांट है और कितने सारे इसमें टमाटर लगे हुए हैं, और एक तो लग रहा है कि अब पकेगा। और देखिए कितने सारे टमाटर हैं, और बहुत ही छोटा प्लांट है ये, बहुत छोटा सा पौधा है और उसमें बहुत सारे ये टमाटर दिख रहे हैं। और देखिए यहाँ एक पक रहा है। तो इस तरह ये सभी सब्जियाँ मैंने लगाई हैं। और इधर देखिए दोस्तों तुरई, ये तुरई भी बहुत अच्छे से अब तोड़ने लायक हो गई है, तो सबको मैं एक दो दिन में इसे हार्वेस्टिंग करूंगी। यहाँ भी तुरई हो गई है, ये भी तोड़ने लायक हो गई है, तो इन सबको मैं एक दो दिन में हार्वेस्ट करूंगी दोस्तों। और इधर देखिए टमाटो, और इधर चलिए दोस्तों मैं दिखाती हूँ। और इधर देखिए दोस्तों, ये करेले की बेल है, और इसमें देखिए कितने ज़्यादा फ्लावरिंग हो रहे हैं, और इसमें वेजिटेबल्स भी लगे हुए हैं, देखिए बहुत सारे इसमें फ्लावरिंग हो रहे हैं। और वेजिटेबल्स मैं दिखा रही हूँ आपको, देखिए यहाँ वेजिटेबल्स भी आ गए हैं, दो तीन इधर हैं और एक यहाँ है। तो इस तरह सभी करेले और सभी सब्जियों की बेल में मेरे सब्जी आ गए हैं। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और दोस्तों प्लीज़ अपने घर में ही रहिएगा और अपने फैमिली के साथ इंजॉय कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय दोस्तों।